ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, देव उठावनी एकादशी के दिन गलती से भी ना करें ये काम, वरना घर से रूट कर चली जाएगी माँ लक्ष्मी। साल 2023 में देव उठावनी एकादशी कब है, पूजन विधि कब है, व्रत का पारण किस समय पे किया जाएगा, चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, देव उठावनी एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है देव उठावनी एकादशी के दिन या कोई भी एकादशी हो, उस दिन दिन में गलती से भी नहीं सोना चाहिए। कहा जाता है देव उठावनी एकादशी पर दिन में सोने से आपका भाग्य सो सकता है। देव उठावनी एकादशी के पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति अर्चना पूजा करते रहना चाहिए, साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से घर में धन दान की वृद्धि होती है, जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। देव उठावनी एकादशी के दिन चावल का सेवन गलती से भी ना करें। ना ही चावल से बनी कोई भी चीज़, जैसे कि कोई कचरी हो, पापड़ हो, किसी भी चीज़ में जिसमें चावल हो, उस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं, उस समय चावल का सेवन जरूर करना चाहिए और व्रत का पारण तुलसी दल को पानी के साथ निगल कर करना चाहिए। देव उठावनी एकादशी के दिन कोशिश कीजिए कि तामसिक भोजन और नॉनवेज से आप परहेज करें। देव उठावनी एकादशी के दिन मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, अपने से बड़ों का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि रविवार के दिन सूर्य ग्रहण के दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल शामिल जरूर करना चाहिए। और इसके लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते, वरना व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। ये छोटी छोटी सी गलतियाँ जाने अनजाने हम कर जाते हैं, जिनका हमको पता नहीं चलता। तुलसी के पत्ते दोस्तों कभी भी बासी नहीं होते, इन्हें तोड़कर आप 11 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है देव उठावनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। हिंदू माह में कार्तिक का महीना बहुत ही अहम माना जाता है। इसे देव उठावनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी या देव उठावनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। देव उठावनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही कुछ ऐसे काम होते हैं जो देव उठावनी एकादशी के दिन करने से बचने चाहिए। देव उठावनी एकादशी साल 2023 में 22 नवम्बर को रात 11:30 बजे से शुरू होकर 23 नवम्बर को रात 9:03 बजे तक रहेगी। देव उठावनी एकादशी का व्रत 23 नवम्बर गुरुवार को रखा जाएगा और ये दिन भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल शामिल जरूर करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कराइए। भगवान विष्णु को उनके भोग में पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फूल अर्पित करें। एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर वहां पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करें। भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जिसके अगले दिन देव उठावनी एकादशी के अगले दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह कराया जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई के बाद चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को चंदन, हल्दी, कुमकुम का तिलक कराएं, व्रत कथा का पाठ करें, भगवान विष्णु की आरती करें। ओम भगवते नमः वासुदेवाय मंत्र के जाप से भगवान विष्णु की आराधना करें। इस दिन तुलसी की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन देव जागते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, तो इस दिन से सभी विवाह और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने से सभी अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी कर सकते, तो केवल पौराणिक कथा का श्रवण करके या वाचन करके, कथा सुनने या कहने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, तो वो व्यक्ति जल और फल खाकर भी निर्जला एकादशी का व्रत यदि रखता है, तो व्यक्ति को सभी एकादशियों के बराबर पुण्य की प्राप्ति भी होती है और उसका चंद्र सही होकर उसकी मानसिक स्थिति सुधरती है। क्योंकि जब व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है, तो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है। देव उठावनी एकादशी के दिन व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पितृदोष पीड़ित व्यक्ति इस दिन विधि विधान से व्रत करें। पितरों के लिए ये उपवास सबसे अच्छा माना जाता है। इस व्रत को करने से पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाते हैं। देव उठावनी एकादशी के दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इस दिन यदि कोई व्यक्ति दान करता है, तो उसे इसका सोगुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से भी लाभ मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल शामिल जरूर करें, क्योंकि तुलसी दल शामिल करने से उनके भोग में व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचता है। इसके अगले दिन शालिग्राम और तुलसी की पूजा कराई जाती है, उनका विवाह कराया जाता है। जो व्यक्ति इनकी पूजा करता है, इनकी विवाह कराता है तुलसी और शालिग्राम का, पितृदोष से उसे मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ देव उठावनी एकादशी के दिन
कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसके कारण आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी नाराजगी झेलनी पड़े। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आवाज सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।